केंद्र सरकार द्वारा बीएसएफ का दायरा बढ़ाते हुए सीमा से 50 किलोमीटर तक का दायरा बढ़ाया गया है, जिसको लेकर आम लोगों से लेकर राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा का विषय बना हुआ है। वहीं इस दायरे को बढ़ाए जाने पर लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी है, जिसके चलते लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रिया निकल कर सामने आई है। जब इस बारे में बॉर्डर एरिया के लोगों से बात की गई तो उन्होंने कहा है कि 50 किलोमीटर का दायरा बढ़ाए जाने के चलते हो सकता है कि नशा तस्करी और क्राइम जैसी घटनाओं पर नुकेल कसी जा सकती है। वहीं कुछ लोगों ने इसका विरोध भी किया है। उनका कहना है कि J&K में लगातार हो रही आतंकी गतिविधियों पर केंद्र सरकार नुकेल नहीं कस रही। वहीं जब इस बारे में पूर्व कर्नल सागर सिंह सलारिया से बात की गई तो उन्होंने कहा है कि सीमा पर लगातार हो रही ड्रोन गतिविधियों के कारण हो सकता है कि बीएसएफ का दायरा बढ़ाया गया हो। राजेश जी, बहुत बढ़िया फैसला जी। जिहड़े चोर ना उन्होंने डर आ, जिहड़े शरीफ उन्होंने कोई डर नहीं। पहला 15 किलोमीटर दायरा ही फिर भी कोई तकलीफ नहीं, हूँ 50 किया कोई तकलीफ नहीं, 100 कर देने फिर भी कोई तकलीफ नहीं। जिहड़ा डाकू है चोर है उन्होंने तकलीफ है, उन्हें वास्ते भावे 50 करो भावे 15 करो भावे 20 करो, उन्होंने वास्ते तकलीफ है जी। शरीफ बंदे वास्ते कोई पंजाब दे लीडर वालों का विरोध किया जा रहा है कि फैसला गलत है, इहदे संबंधी की कहना चाहते? हर एक बंदे नूं माड़ा जिहा अहीं उह चाहीदा जी खिलाफ़ चलन वास्ते, जिहड़ा इहदे नाल नशे का ही फर्क पैना जी। पहला जिहड़ी जी पुलिस अंडर सी तो पोलीटिकल पहुँच नाल जिहड़े लीडर बंदे छड़ा लैंदे जी, हुण जिले BSF आ गई है इन्होंने सेंटर च भेज देना जी। देखो जी, विरोध करना पंजाब इंदा मतलब काम है, MLA हो MP हो जां कोई भी है, इन्हां मुखालफत करनी हुंदी है। जिहड़ा उहो जिहा बंदा आ चोर चका चौधरी लुंडी लान प्रधान, उन्हां नूं थाने जाके छड़ा लैंदे ने, इन्हां दे फोन ही आ जांदे ने थाने नूं, ओह फलाने नूं छड्ड दे इह मेरा बंदा ही ओ, हाँ जी ये दिंदे ना छड्ड। जे सेंटर नूं BSF नूं ये प्रोग्राम देता वो फट के सीधा दिल्ली जां किते होर लै जाणगे, उन्हां तां कि इन्हां दा कोई हाथ ना विच होवेगा, ते बहुत वधिया गल है क्योंकि सेंटर नूं ये दे दित्ता। तुहानूं की लगदा जिहड़े सरहदी पिंड ने उन्हां नूं कोई फर्क पैंदा? कोई फर्क नहीं सरहदी पिंडां नूं, वो पहला भी बार्डर ते काम करदे हे, अपनियां प्यालियां बांधदे, फसलां वढदे हे, हुण भी उही काम है। ना उन्हां नूं पहलां कोई दुख सी ना हुण, इहदे बारे कोई उन्हां नूं दुख है, अपना काम करी जा रहे, अपने आराम नाल काम करते, अपने आराम नाल आ जाते हैं, बस यही काम सारा ठीक ठाक है। थोड़ा आपको ये भी बताऊंगा कि जो मेरा जाति एक्सपीरियंस है नौकरी के दौरान का, इंसर्जेंसी का, नागालैंड का, अरुणाचल का, और ऑपरेशन ब्लू स्टार में हमने पंजाब में ऑपरेट किया एक साल तक। ये स्मगलिंग जो हो रही है बॉर्डर से, जो तस्करी हो रही है, जो ड्रग आ रही हैं, और जो जो ड्रोन आ रहे हैं स्पेशली, ये उसकी टेररिज्म फैल रहा है, टेररिस्ट आ रहे हैं, उस चीज़ को देखते हुए ये एरिए में जो जोरिस्डिक्शन बढ़ाई गई है 50 किलोमीटर किया गया है। क्योंकि पुलिस फोर्स जो हमारी है बेसिकली ये पुलिस का काम है, और किसी भी स्टेट की पुलिस आप ले लीजिए, पुलिस हमारी प्रीडिसाइज हो चुकी है, इन्फ्लुएंस में काम करती है। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि हमें उनके रिसोर्स को देखते हुए, सिस्टम को देखते हुए, ये फौज को एडिशनल जिम्मेदारी दी गई है, सॉरी BSF को एडिशनल जिम्मेदारी दी गई है बॉर्डर के देखभाल की। ये समस्या इसमें ये खड़ी हो सकती है कि डुप्लीकेट रोल हो गया, पुलिस भी जिम्मेदार रहेगी और BSF भी जिम्मेदार रहेगी। मैं थोड़ा सा आपको ये क्लैरिफाई कर दूं कि किसी भी मुल्क में जब तक मार्शल लॉ डिक्लेयर नहीं होता है, पुलिस जो है वो फौज या BSF के अंडर नहीं आती है, ये कानून है हमारा। तो जब पुलिस BSF के अंडर ही नहीं काम करेगी, फौज के अंडर काम नहीं करेगी, तो डुप्लीकेसी ही होगी ना। बेसिक तो ये प्रॉब्लम लॉ एंड ऑर्डर की है, और लॉ एंड ऑर्डर जो है ये पुलिस की जिम्मेदारी है। फौज को और BSF को इन्वॉल्व करना जो है ये ठीक है, करिए आपका, आपकी फोर्सेज हैं, पर तो खुली छूट भी होनी चाहिए काम करने की। ये दिक्कतें खड़ी होंगी आप देखेंगे जी, क्योंकि पुलिस वालों को पता है कौन स्मगलर है, कौन चोर है, कौन डाकू है, कौन बदमाश है। BSF को क्या पता है, आर्मी को क्या पता है, उन्होंने अपने रिसोर्सेज इंप्लॉय करने हैं, रिसोर्सेज कहाँ आएंगे, इसी लोगों से आएंगे। तो ये तालमेल की बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, कई बार माफ करना चाहिए, इस चक्कर में जो कल्पना है वो निकल जाता है, ना BSF की जिम्मेदारी बनती है, ना वो पुलिस की जिम्मेदारी बनती है। तो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड मैटर होते हैं, ये इनको सॉर्ट आउट करना बहुत अच्छी है। ड्रोन जो आ रहे हैं उनका रेंज लंबा है, मेरा जाती तजर्बा जो हो रहा है कि ड्रोन एक्टिविटी के कारण ये नीज रिएक्शन हो रहे हैं सारे के सारे, ये
क्योंकि हमारा सिस्टम जितना भी है, हमारा जो देश का सिस्टम है, हम एक्ट करते नहीं, हम रिएक्ट करते हैं। ये अनफॉर्चुनेट है हमारा, ये चाहे फौज है, चाहे कुछ भी है, चाहे हमारे एडमिनिस्ट्रेशन है, हम एक्ट नहीं करते, रिएक्ट करते हैं, क्योंकि हम अग्रेसिव है ही नहीं। हमारी पॉलिसीज डिफेंसिव पॉलिसीज है हमारी, तो ये नी जर्क रिएक्शन मुझे लग रहा है। ओवरनाइट ये बढ़ा दिया गया, ना हमारी फोर्स को बढ़ाया गया, ना कोई, आप देख लीजिए पंजाब गवर्नमेंट उसका विरोध कर रही है। तो जब गवर्नमेंट ही विरोध कर रही है, पुलिस ही काम नहीं करना चाहती, तो बीएसएफ कैसे कामयाब होगी। सिया इंटीरियर अब आपको पठानकोट शहर में लाकर दे रहा है आपके सपनों के घर को सजाने का डेकोर मटेरियल। सिया इंटीरियर, यहां आपको मिलेगा खूबसूरत फर्नीचर, ड्राइंग एंड लिविंग रूम डेकोरेटिव इंटीरियर और भी बहुत कुछ जो आपके ड्रीम हाउस को बनाएगा सबसे खास, क्योंकि आपका घर खूबसूरत फर्नीचर और इंटीरियर के बिना अधूरा है। सिया इंटीरियर, एक ऐसा एक्सक्लूसिव शोरूम जहां सिर्फ घर को ही नहीं सपनों को सजाने की बेहतरीन कलेक्शन मिलती है जो आपके घर को बनाएगा दूसरों से सुंदर और आकर्षक। तो सिया इंटीरियर पर आइए और अपने सपनों को साकार कीजिए। हैप्पी फर्नीचर एंड इंटीरियर टू यू। रागी होम डेकोर, गिव योर होम ऑफिसेज इंटीरियर एंड एक्सटीरियर वॉल, सीलिंग, फर्नीचर एंड डोर पैनल एन एलिगेंट लुक। एक्सपर्ट इन यूवी पीवीसी वॉल, वॉलपेपर्स, पार्टीशन जाली, आपकी काल्पनिक सोच को उतारे आकार में और आकार सवारे। वार्ड नंबर 11, नियर नोबेल्टी मॉल, ममून रोड, पठानकोट।